वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, कल हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। और मैं बता तक के चल रहा हूँ, आज ये फर्स्ट टेस्ट होगा हमारा 1857 से, कि जैसे ही हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे, साथ के साथ अगले दिन उसका टेस्ट लेंगे। आज इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ 1857 से। आपने वीडियो देखी है, आपको आता होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे। हर रोज़ मैं ऐसे ही करूँगा, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट किया। कल मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टेस्ट लूँगा, क्योंकि इस बार हर हाल में एक एक बच्चे को मैं चाहता हूँ कि अपना बेस्ट प्रोवाइड करूँ। आपको चीज़ें मिले, मटेरियल मिले, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। बस आप मेहनत करना स्टार्ट करिए। आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीएफ हो, रेलवे ग्रुप डी हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, हर एग्ज़ाम में जीएस आती है, और उसके लिए मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। इस टेस्ट को आप एक टेस्ट की तरह ही देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, चार ऑप्शन पढ़ूंगा, आपको 3 या 4 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी जवाब दे सकते हैं। अब फटाफट कमेंट करो, विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। तो विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, सी मेरठ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपको कल बता चुका हूँ, तो आपको आती भी होंगी, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक को इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट कोज, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास? फटाफट कमेंट करो आपका जवाब क्या है। तो हमारा सेकंड का करेक्ट आंसर है, वो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कमेंट करना स्टार्ट करो फटाफट। तो हमारा थर्ड का आंसर है, वो है डी मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, किसने गिरफ्तार किया था और कहाँ पर गिरफ्तार किए गए थे? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, आपके सामने ऑप्शन है, रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, बरेली में जेम्स आउटरम ने, या हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने? तो इन्हें गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो हमारा फोर्थ का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? पंजाब आर्मी, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल आर्मी, अवध रेजिमेंट? वो कौन सी आर्मी रेजिमेंट है जो ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठी थी, आपको बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो फिफ्थ है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वो है अवध रेजिमेंट। कौन सी? अवध रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदादुल्ला, मौलाना फजेला खैराबादी, नवाब लियाकत अली या नवाब लियाकत अली? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह था अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने? तो हमारा 7th का जो करेक्ट आंसर है, आप कमेंट करो क्या है आपका जवाब। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नामधारी सिखों ने। तो 7th का हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857? तो ये एनफील्ड राइफल थी, तो वो कब शामिल की गई थी? ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी
अहमद शाह या ब्रजेश कादिर? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 10, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर के गदर के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल, नाना साहिब, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तात्या, सॉरी नाना साहेब। जो कानपुर के गदर के नेता थे वो थे नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलाक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या झांसी? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है सी, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, जब उसे दबाने गए थे ये, उनकी उस समय मौत हो गई थी, हैवलाक। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सबसे पहले 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? बेंजामिन डिजायरली, वी डी सावरकर, के एम पणिक्कर या ताराचंद? तो सबसे पहले इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी के एम पणिक्कर ने। तो 12th का आंसर होगा हमारा, सॉरी इसका ये नहीं है, इसका होगा बेंजामिन डिजरायली, बेंजामिन डिजरायली। तो 12th का आंसर हमारा ए, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिजरायली ने। क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आउट्रम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल या हेवलोक? तो वो था कैंपबेल, क्योंकि इसने दो जगह पर इस विद्रोह को दबाया था। आपको बताना है कैंपवेल ने किस किस जगह पर इस विद्रोह को दबाया। आपने वीडियो देखी थी, मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश? काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर बताया था, तो वो कौन सा भाग था? तो वो था 14, मद्रास, मद्रास, चेन्नई। मद्रास कहाँ पड़ता है? चेन्नई, तमिलनाडु। और मैंने बताया था कि साउथ जो था वो एकदम क्वाइट रहा था, वहाँ पे बिल्कुल शांति, इस विद्रोह का साउथ में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा रंगून। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया किससे संबंधित था? कौन सी इन्फेंट्री से? 34वीं, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगर आपने वीडियो देखी है मेरी, तो आप 20 में से 16 जवाब कहीं नहीं जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 17, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? किस इस घटना से किसका संबंध है कि हम ये मिसाल दी थी कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो इसमें कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? एचिसन ने ये बोला था, उस किस कथन का संबंध है? 1857 के विद्रोह, चंपारण, खिलाफत और असहयोग आंदोलन या फिर 1942 की अगस्त क्रांति? तो हमारा 17th का करेक्ट आंसर होगा 1857 का विद्रोह, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पहली बार देखने को मिली थी भारत में 1857 के विद्रोह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर व विंसेंट आयर? तो हमारा 18th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेलर एवं विंसेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय जाता है टेलर एवं विंसेंट आयर को। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में किसने किया था? बख्त खान, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इसका आंसर होगा सी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? आर सी मजूमदार, एस एन सेन, वी डी सावरकर या अशोक मेहता? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वी डी सावरकर। मैंने बताया था उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम आपको कमेंट के अंदर बताना। तो गाइज ये थे 20 हमारे आज का 1857 जो हमने कल पढ़ा था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हमने कंप्लीट कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका टेस्ट मैं कल लूँगा आपको 2-2.5 बजे के आसपास ही, या हो सकता है कि शाम को मैं आपको आधा एक घंटा पहले बता दूंगा। आप बस अपडेट रहना, टेलीग्राम पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे एज अ टेस्ट ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अंदर गाइज इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और ये टेस्ट आई होप आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें,
अपने दोस्तों फ्रेंड्स वगैरह के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।